हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने आज अपने निवास स्थान पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए विभिन्न मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया दी। क्या कुछ कहा अनिल विज ने, देखिए हमारी ये रिपोर्ट। राहुल गांधी आजकल भारत निंदा अभियान पर विदेशों के दौरे पर है। एक पुरानी राजनीतिक पार्टी का अध्यक्ष जिसने 50 वर्षों तक इस देश में राज किया, वो विदेशों में जाकर भारत की इमेज को खराब कर रहा है, गरीबी बता रहा है, बेरोजगारी बता रहा है, लोगों के आईएस में जाने की बात बता रहा है। 50 साल तक तुमने राज किया, अगर आज देश में गरीबी अनएम्प्लॉयमेंट है तो उसके लिए कांग्रेस दोषी है, और किसी भी सूरत में विदेशों में जाकर भारत की छवि को खराब करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। पत्रकारों द्वारा पूछे जाने पर अनिल विज ने कुमारी शैलजा पर भी निशाना साधा। शैलजा को तो बोलने का अधिकार नहीं है, जिसने ना कभी कोई काम किया, वो यहां की सांसद रही, एक दो बाथरूमों के उद्घाटन के सिवा उसने कोई काम नहीं किया, उसको किसी के बारे में बोलने का क्या अधिकार है। विज ने एक बार फिर कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू के पाकिस्तान दौरे पर निशाना साधते हुए कहा कि वो वहां सिर्फ जश्न मनाने गए थे और उन्हें किसी बात से कोई लेना देना नहीं। देखिए, सिद्धू साहब तो वहां पर जश्न मनाने गए थे, पाकिस्तान का गुणगान करने गए थे, और उन्होंने कहा कि मुझे दो दिन में जो कुछ मिला है वो सारी जिंदगी नहीं मिला, उन्होंने क्या लेना कि देश की सीमाओं पर क्या हो रहा है, कुलभूषण यादव के साथ क्या हो रहा है, पाकिस्तान की सरकार उसके बारे में क्या कह रही है, वो तो जश्न मनाने गए थे। अभय चौटाला द्वारा मायावती को बहन बनाने और उसके बाद प्रदेश में सत्ता हासिल करने के बयान पर विज ने कहा कि इससे बीजेपी का कोई लेना देना नहीं और ना ही बीजेपी को इससे कोई फर्क पड़ता है। अभय चौटाला को नई बहन मुबारक, लेकिन इस बहन भाई के रिश्ते से भारतीय जनता पार्टी पर कोई असर पड़ने वाला नहीं। सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं, नहीं, वो सपने लेने पर कोई टैक्स नहीं है, कोई भी ले सकता है।